गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एग्जामपुर। हम हैं कलम से क्रांति, मैं पूर्णिमा गौर, स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का। आप लोगों की अपनी साइंस की क्लास में कैसे हैं आप सभी? ये अपना जो पंचामृत सेशन है जहाँ पे हम 5 क्वेश्चंस करते हैं अलग अलग सेक्शन से, आज फिर से आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ। आई जस्ट होप सो आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लग रहे होंगे, आपको पेपर पर्सपेक्टिव से लग रहा होगा कि हाँ चीजें हमें कुछ कुछ रिवाइज हो रही हैं, ठीक है। और कोई भी डाउट हो उसको नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दिया कीजिए। आप लोगों के जो कमेंट्स होते हैं ये हमारे लिए सोर्स ऑफ मोटिवेशन होते हैं। क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर देना। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है कि रामसर कन्वेंशन के अनुसार निम्नलिखित में से किस दिन को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है? जब भी हम यहाँ पे बात करते हैं रामसर कन्वेंशन की, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस जो है वह आपका 2 फरवरी को मनाया जाता है, और जितने भी वेटलैंड्स है उनको रिकॉग्नाइज करना और साथ साथ उनके प्रोटेक्शन करना, ताकि वो जो क्षेत्र है वो बना रहे, अचानक से लुप्त ना हो जाए या फिर वहां पे कुछ ऐसी घटनाएं ना हो जिसके कारण जो है हम अपने इस विश्व में से आर्द्र भूमियों को खत्म ही करते, तो उसी के लिए 2 फरवरी को ये मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आप लोगों का कि डैश प्रदूषण की डिग्री या तीव्रता को कम करने को के लिए का एक तरीका है, ठीक है। डैश इज रिड्यूसिंग द डिग्री ऑफ इंटेंसिटी या फिर एलिमिनेशन ऑफ पोल्यूशन, यानी कि पोल्यूशन समाप्त करना है, एबेटमेंट कर दीजिए, एरोसोल है, अवशोषण है या फिर एरेशन है, वातन है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर आप स्क्रबर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, या फिर किसी भी ऐसी चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसके थ्रू आप एबेटमेंट कर रहे हैं पोल्यूशन का, ये इवन CGL इस बार का पेपर का प्रश्न है, CGL 2022 में जो आपका पेपर हुआ है, ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट आई थिंक उसका पेपर का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो ये अबेटमेंट क्या होता है बच्चा, कि अगर आप पोल्यूशन को कट डाउन कर रहे हो, कोई भी तरीका, आप ग्रीन मफलर्स लगा रहे हो, ग्रीन मफलर्स नॉइस पोल्यूशन को कम कर रहे हो, है ना। तो अगर आप ऐसा कोई भी तरीका उपयोग कर रहे हो ना, उसको हम अबेटमेंट कहते हैं, कि अबेटमेंट ऑफ पोल्यूशन हो रहा है, पोल्यूशन की आप कमी कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है जल गैस डैश का मिश्रण होता है, जल गैस जो होती है इसमें क्या किया जाता है, कि गर्म कोयले के ऊपर जो है आप पानी को घुमाते हो या पानी को छिड़कते हो, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन बनता है, और जिससे बन जाती है जल गैस, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के मिलने से क्या बना आप लोगों के लिए, जल गैस बन जाती है, और ये आपका BPSC 2022 का क्वेश्चन है, और इसका आंसर हो जाएगा बच्चा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड से प्रदूषित वायु में सांस लेना खतरनाक है, क्योंकि मतलब कोई ऐसा क्षेत्र है जहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड है, आप उस क्षेत्र में सांस ले रहे हो और इससे कुछ लोगों की मृत्यु तक हो जाती है, तो ये खतरनाक क्यों है, क्यों मृत्यु हो जाती है? ऑप्शन नंबर 1 कहता है कि वो कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त में ऑक्सीजन के साथ संयोजन करता है। अरे कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ संयोजन नहीं कर सकते। दूसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन करता है, बात सही है। कार्बन मोनोऑक्साइड शरीर से पानी को निकालता है, नहीं, डिहाइड्रेशन में इसका कोई रोल नहीं है। कार्बन मोनोऑक्साइड शरीर में प्रोटीन के जमाव का कारण बनता है, यह भी बात गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका सटीक आंसर हो जाएगा। इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक्सरे में वर्णाक्षर एक्स का क्या मतलब है, यानी कि जो एक्सरेज होती है इसमें एक्स का क्या मतलब है? एक्सप्रेस एनोन, ओके, अननोन या अज्ञात, अननोन, ठीक है, अनोन नहीं, अननोन हो जाएगा, अज्ञात हो जाएगा। इंफ्रारेड है, जिनोन है, या उपरोक्त में से कोई नहीं, बीपीएससी का क्वेश्चन है ये आपका, ठीक है। तो आपको इसका आंसर बताना है क्या हो जाएगा। देखिएगा, जब भी हम एक्सरेज की बात करते हैं तो ये एक्सरेज जो होती हैं इनकी काफी फ्रिक्वेंसी होती है, अच्छी खासी फ्रिक्वेंसी इनकी होती है, और ध्यान रखिएगा कि एक्स का मतलब है जिसके बारे में हमको पता नहीं है। इसकी खोज किसने करी थी एक्सरेज की, तो ध्यान रखिएगा इसकी खोज करी थी विलियम रॉयंटजन ने, ठीक है, विलियम रॉयंटजन ने इनकी खोज करी थी। और इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा कि एक्स रेस का मतलब है अज्ञात किरणें, ठीक है, जिनके बारे में हमको पता नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका सटीक आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से आज मैं आप लोगों को एक होमवर्क क्वेश्चन देना चाहती हूँ। कल का जो पंचामृत होगा उसमें मैं इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कराऊंगी, और साथ साथ ये भी बताऊंगी कि बाकियों को क्या बोल सकते हैं,
ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है यहाँ पे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है कि एक जेप्टो किसके बराबर होता है। अगेन ये बीपीएससी का आपका क्वेश्चन है, फिजिक्स के अंदर आप लोगों से ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि एक जेप्टो क्या होता है। कल के पंचामृत का अपना पहला सवाल यही होगा, ठीक है, और इसको नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे तो देखेंगे कि किस किस बच्चे ने सही आंसर दिया है। तो आज के सेशन को यहीं पे विराम देते हैं और मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट पंचामृत में, आप लोगों के एग्जामपुर यूट्यूब चैनल पे। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दिस इज पूर्णिमा गौर साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय बाय।